दो बार प्लान किया, वो किसी वजह से कैंसिल हो गया था, तो बट आज आए हैं, पूरी टीम आई है, बहुत खुश हैं जी। लॉयर वाला वो जो करते थे ना, वो टिल्लो ने काला कोट भी नहीं पाया। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बट जानते हुए सानू तुसी ये काला कोट देना, असि नेक्स्ट कैरी ऑन जट्टा जी यूज करेंगे। मैं पहली बार आया जी, बहुत मजा आया। अपने स्पेशल तौर पर पहले तो करतारपुर साहब की धरती के उत्ते सारे का इन्ना धन्यवाद यार, तुम इन्ना प्यार करते है ना सारा मीडिया। और स्पैशल तौर पर मैं कहना हूँ जो नासिर भाजी पाकिस्तान वालों आके जफ्फी पाते हैं ना अपने किलावे लेंदे ने, ऐ लगता भी सारे पाकिस्तान ने जफ्फी पा ली। अस्सलामुअलैकुम जी, सुनो पाकिस्तान के इस खसूसी सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बड़ी खसूसी जगह पर करतारपुर दरबार साहब में हम आए हैं, और यहाँ पर हमारे आने की वजह यह है कि चढ़ते पंजाब ते लहंदे पंजाब की जो फनकार बरादरी है वो यहाँ पर आज इकट्ठी हो रही है। मौजा ही मौजा एक फिल्म आ रही है, और जिसकी स्टार कास्ट जिसमें गिपी गरीवाल और ढिल्लो साहब हैं, अब वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। उनको वेलकम करने के लिए नासिर चिनोटी साहब, इफ्तिखार ठाकर, जाहिर है सभी जानते हैं उनको, सब फ़ैन है इस साइड पर भी, वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि उनको वेलकम करने के लिए आए हैं। तो बग़ैर किसी डिले के आपको लिए चलते हैं और बात करते हैं इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चिनोटी साहब से कि उनके क्या तासुरात हैं। तो आ जाएं। पहले जो सर तुम्हारे तासुरात इस बारे में? मैं इतने आता रहना सर, बड़े दोस्त मेरे आते हैं उधरों, नासिर भाई और मैं उन्होंने इतने रिसीव करने हैं। एक तो ये जगह बड़ी पुरसकून जगह हैगी, दूसरा दोवें पंजाबों के दरम्यान है जी, ये पुल है। बिल्कुल, असी पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी के बड़े मशहूर हाँ कि उन्होंने सानू एक खूबसूरत जगह मुहैया की, पुल मुहैया किया, जिसे असी एक प्यार का सिलसिला रखा है, यानी कि बासानी तुसी एक दूसरे में मिल सकते हैं। ठीक है, इस बड़ी बात होंगी है कि जी तुसी उधरों आ जाओ असी इधरों आ जाने, तो रब ने एक रस्ता खोलिया है ना। उधर वाले कदों आ रहे हैं? इधर पहुंचने वाले ने? अच्छा, नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, मेरी गल लगी। तुहाडे दस रात की ने स्पेशल असी अपनी वान तक पहुँचाना चाहते हैं, तुसी ओनली फिल्म की शूटिंग भी करके आए हो, तो असी और ट्रेलर भी वेख्या जी, मौजा ही मौजा का बड़ा जबरदस्त ट्रेलर। हाँ जी बिल्कुल, फिल्म साड़ी 20 तरीक आ रही है, 20 अक्टूबर लग रही है, वर्ल्ड वाइज पूरी दुनिया तो पाकिस्तान से भी लग रही है। तो यही कहेंगे कि एक फैमिली फिल्म है, तो जरूर देखने लिया तो मज़ा आएगा। जिस तरह कैरी ऑन जट्टा ने तुम्हारे सामने एक रिकॉर्ड कैम किया है, तो ये फिल्म उस तो हट के फिल्म है, तो ये भी तुम बहुत मज़ा आएगा इस फिल्म में भी देख के, तुम बहुत तुम इंजॉय करोगे। बाकी ये जगह जितने खलोते हैं ये तो तुम बताया अरदास की जगह है, ठीक है, ये मिलाप की जगह हैगी, तो ज़्यादा जरा सा इतने आना जरा ना सिर्फ ये है कि उन्होंने रिसीव करना, तो एक मुलाकात करनी, तो जो मतलब कोई मेरा तो 15-20 दिन तो उन्होंने दूरियां ने, तो ठाकुर साहब जरा ज़्यादा सर। ठाकुर साहब कितनी देर बाद आपकी मुलाकात हो रही है? मेरी गिपी भाई से मुलाकात होगी तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद। अच्छा, और इसमें ख़ास तौर पर जो है ना जी, योगराज सिंह साहब आ रहे हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि हम दोनों हम उम्र हैं। डी एन शर्मा साहब है मेरे बड़े बेस्ट फ्रेंड, और करणजीत अनमोल साहब, बाकी बिनू, इनसे सबसे मुलाकात होती है। सही, लेकिन योगराज सिंह साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात हो। और असी हकीकत दसी ना तुम कि हम साडा ना इन्हों तलक जो ना वो बिल्कुल नहीं रहा है, आर्टिस्टा वाला या मैंने फैमिली वाला तलक हो गया, जबकि साडा इन्हों प्यार जोड़ा और उन्होंने साढ़े ना प्यार जोड़ा वो फिल्मों तो प्रोड्यूसर तो एक्टर तो हट के है कि एक फैमिली, ठीक है, कि यह नहीं कि मतलब कॉल करके बंदा पूछ देना कि इस डेट नू भाजी इतने आ जाओ, सब तो पहले पूछते हैं घर बच्चों का सारे का बाई नेम पूछते हैं कि सब ठीक ठाक ने, तो साडा ये रिश्ता उन्होंने ना एक फैमिली का है। सर बड़ी खूबसूरत बात है कि जी दोनों पंजाब वाली साइड से लोगों की प्यार मोहब्बत है आपस में बढ़ रही है, और ये बड़ा ही अच्छा पैगाम है, बड़ा अच्छा मैसेज भी है। और फिर बिलखसूस इस हवाले से कि फिल्म जो एक मीडियम इस लिहाज से जो बना है कि जिसमें दोनों साइड से जो एक्टर्स हैं वो मिलकर काम करते हैं, दोनों साइड से एक ऑडियंस बढ़ रही है और पंजाबियों की मोहब्बत जो है वो भी बढ़ रही है। और मैं एक चीज़ कहूँगा, एक चीज़ जी बड़ी ज़रूरी है कि सब तो जरूरी है कि तुहाडा बहुत शुक्रिया, मीडिया का बहुत शुक्रिया, इतने आना बड़ा कम होंगे और तुसी अपना टाइम कट के इतने आए। हमने ज़्यादातर देखे हैं जी प्रोजेक्ट शूट होते हैं बाहर के मुल्कों में, तो पाकिस्तान की ये नॉर्दर्न साइड बड़ी खूबसूरत है, तो ऐसा कोई है प्लान कि पाकिस्तान में कोई शूटिंग हो वहाँ से भी अदाकारी? 100% है सर, जब तक गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट जिस दिन मिल गई ना जी हमें, फट्टे चुक देंगे सर, सिर्फ स्टेबल गवर्नमेंट का इंतजार। हाँ सर, तैयार पे ने बिल्कुल, जो फिल्म असी अनाउंस की थी गिपी भाजी ने, तो वो जिन्हें लॉर नहीं वेख्या, ठीक है, वो फिल्म है कि होर भी स्क्रिप्ट, हाँ जी होर भी स्क्रिप्ट तैयार पे ने, उन्होंने तो बड़ी ख्वाहिश है कि फौरन इजाजत देने शूट शुरू हो जाए इंशाल्लाह जी, जल्दी शूटिंग हो।
जी करतारपुर दरबार साहब हम आज आए हैं। सुनो पाकिस्तान की टीम यहाँ पर आई है बिलखसूस, और चढ़ते पंजाब और लहंदे पंजाब के जो अदाकार हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त एक किस्म की मुलाकात का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। और कौन नहीं जानता, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है सैयद नूर साहब, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। सैयद नूर साहब कैसे हैं सर आप? सर क्या आपके तासुरात, क्या कहेंगे आप इस मौके की मुनासिबत से? बिलखसूस आप करतारपुर पहले भी आए हैं, आपका पहला चक्कर है? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। इबादतगाह किसी भी मज़हब की हो बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना, और ये तो ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया है, और जो फैसिलिटीज़ यहाँ क्रिएट की गई हैं ज़ाहरीन के लिए, आने वालों के लिए, जो यहाँ जिसको मत्था टेकना कहते हैं उनके लिए, बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इसको फैसिलिटेट किया है। सही नूर साहब, एक रिलीजियस एक अहमियत तो है इस जगह की सिख मज़हब के हवाले से, लेकिन दूसरा एक और बड़ी अहमियत इस हवाले से ये है कि यहाँ पर पंजाब की दोनों साइडों के जो लोग हैं वो मोहब्बत बांटने के लिए उनकी भी मुलाकात हो जाती है, और फिर बिलखसूस जो पंजाब फिल्म इंडस्ट्री से इंडियन साइड से जो लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं, और आज भी ऐसी ही एक गैदरिंग है, उस हवाले से आप क्या कहें? बस इसीलिए मैं आया हूँ, इसलिए कि एक ज़माना था जब पाकिस्तान में इंडियन फिल्म्स को हम लोग प्रमोट नहीं करते थे, हम मना करते थे, इसलिए कि लोकल इंडस्ट्री जो थी वो अच्छी नहीं, उनको जगह मिलती थी, उनको अच्छा नहीं समझा जाता था सिनेमा की तरफ से। तो अभी नोटिस में ये आया है कि इंडियन पंजाबी फिल्म जो है हमारे जो लोकल लोग हैं बड़े मोहब्बत से प्यार से देखते हैं, और उससे सिनेमा जो है फ्लोरिश कर रहा है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अच्छी जा रही है, तो लिहाजा इसलिए हम भी आ गए हैं कि चलो हम भी इनको वेलकम कहें अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और कोई ऐसा मूवमेंट बन जाए कि दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज़ मिल के कोई ऐसा काम कर सकें। आज हम मौजूद हैं और चढ़ते पंजाब ते लहंदे पंजाब दोनों साइड तो जेडे पंजाबी फिल्म के अदाकार ने वो इस वक्त मौजूद ने, तो ऐसे गल करने हैं। भारतीय पंजाब के बड़े मशहूर अदाकार गिप्पी गरेवाल साहब और डिलो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गिप्पी सर, सर कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छे हैं जी, और बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी देर से मन था आने का, पहले भी एक दो बार प्लान किया वो किसी वजह से कैंसिल हो गया था, तो बट आज आए हैं, पूरी टीम आई है, बहुत खुश हैं जी। जी बिल्कुल, और ढिल्लो साहब सर, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट्स, आप शुक्रिया। गिप्पी गरेवाल साहब भी ऑब्वियसली इज द स्टार, पर सर आपने वो जो कैरी ऑन जट्टा में वो जो आप एक लॉयर वाला वो जो करते थे ना, वो ढिल्लो ने काला कोटा भी नहीं पाया जी। सर कैसा लग रहा है, तुम्हें मेरे ख्याल पहली दफ़ा? मैं पहली बार आया जी, बहुत मज़ा आया, अपने स्पेशल तौर पर पहला तो करतारपुर साहब की धरती के उत्ते है ना दर्शन बाबे ने नसीब किए भी दर्शन कर सकी है ना, तो बहुत बहुत कृपा गुरु महाराज की कृपा, एंड तुहाडा सारयां दा इन्ना धन्नवाद यार, तुसीं इन्ना प्यार करदे है ना सारा मीडिया, और स्पैशल तौर पर साढ़े दो भरा नासिर चनौटी साहब तो इफ्तखार ठाकुर साहब पूरे परिवार के नाल इत्थे पहुँचे है, स्वाद आ गया। जिन्हें तुम इतने पतवंते सज्जन आए हो तुम्हें जफ्फी पा के, और स्पैशल तौर पर मैं कहना हूँ जो तो नासिर भाजी पाकिस्तान वालों आके जफ्फी पाते ना अपने कलावे लेंगे ने, ऐ लगता भी सारे पाकिस्तान ने जफ्फी पा ली। सवाल लिया मेरा एक परसनल कमेंट है जी, वैसे फिल्मों से अभी थोड़े सारे हम बहुत शौक न देखने, फिल्मों से माशाल्लाह सारे बहुत हैंडसम लगते हो, रियल तुम ज्यादा हैंडसम लगते हो। वेरी गुड, चलो चलिए खत्म, गल खत्म, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये रिपीट तो नहीं पाल रहे भी थोड़ा भी अभी कही नहीं 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 ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ? ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਸਰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ,
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੂੰਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੌਜਾ ਹੀ ਮੌਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਗੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਟਿਸਟ ਬਲਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਰਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਫੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ, ਜੱਪੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਲਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਕਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜਾ ਹੀ ਮੌਜਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੀਜ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੂਵੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਜੀ, ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਥਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਾ ਹਮਾਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਹਮਨੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਸੰਗਰਮ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੋਂ ਕੀ, ਤੋ ਉਨਕੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਔਰ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਥੇ। ਆਜ ਕਾ ਦਿਨ ਭਰਪੂਰ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਔਰ ਹਮ ਯੇ ਉਮੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਯੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪ ਲੋਗ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਂਗੇ। ਤੋ 20 ਤਰੀਕ ਕੋ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਕੋ ਗਾਲਿਬਨ ਮੌਜਾ ਹੀ ਮੌਜਾ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਵੀ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪ ਉਸ ਮੂਵੀ ਕੋ ਭਰਪੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਂਗੇ।